नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब सत श्री अकाल। मैं आप लोगों का अपना अभिषेक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अनअकैडमी लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज जो कि पता है हमारा मॉक टेस्ट है, इस सेशन में हम मॉक टेस्ट करेंगे। इस सेशन के अंदर मैं मॉक टेस्ट में वो सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जहाँ एसएससी हर बार अप्रोच करती है क्वेश्चंस को एग्जाम में डालने के लिए। तो वो सारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं वो कैसे रहेंगे और आप कितने ठीक कर पाते हो, कितने गलत कर पाते हो उसमें। तो सबसे पहले मैं अब एक बात और बता दूँ, हर तीसरे या चौथे दिन आपका मैं मॉक टेस्ट लिया करूँगा, सेशन लेकर आया करूँगा मॉक टेस्ट का, जो टॉपिक्स मैं रेगुलर लाइव क्लास में आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन मॉक टेस्ट को बड़े सीरियस लेना है और बड़े अच्छे से करके देखना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों की मुलाकात अपनी टीम से करवा देता हूँ। मेरी टीम के अंदर वो सितारे हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं। मैं बात करूँ मैथमेटिक्स में तो सुनील बदोनी सर हैं, पवन राव सर हैं और उमाकांत शर्मा सर हैं साथ में हमारे। इंग्लिश की बात करूँ तो नेहा मलिक और संदीप रावत सर हमारे साथ हैं। जनरल स्टडीज़ की बात करूँ तो कासिफ अंसारी सर सबसे बड़े खलीफा हमारे साथ हैं। और वहीं बात करें जनरल साइंस की तो जनरल साइंस में आपका अपना अभिषेक आप लोगों के साथ है। ये मेरी वो टीम है जो आप लोगों के एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के दिन तक आप लोगों के साथ रहने वाली है। ये सभी एडुकेटर्स अपने लाइव सेशन में, अपने मॉक टेस्ट में वही अप्रोच कर रहे हैं जो एसएससी अक्सर पूछते आए हैं। और ये हम बेटा ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं जो एसएससी की हमने सीरीज चलाई थी एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए, तो उसमें से आपने देखा होगा अप्रोक्स 95% क्वेश्चन सारे के सारे हमारे मॉक टेस्ट से थे। तो अब की बार भी सेम उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों के साथ लेकर आ रहे हैं। तो बेटा इसको थोड़ा सा सीरियस ले लेंगे आप लोग, ठीक है। आज जो ये सेशन है मॉक टेस्ट का, ये स्पेशली एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स का है जो दिसंबर में स्टार्ट हो गया था आपका। और इसमें मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर आप लोगों से बात करने वाला हूँ। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम अभिषेक सरोहा है, मैं एक जनरल साइंस का एडुकेटर हूँ। मुझे लगभग 4 साल हो गए हैं एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स को मेंटर करते हुए। इन 4 सालों के अंदर मैंने कम से कम 2 लाख स्टूडेंट्स को मेंटर किया है और इन 2 लाख स्टूडेंट्स में से अप्रोक्सीमेटली 65% स्टूडेंट्स अपना अपना एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो बेटा अब जो ये 65 का क्राइटेरिया है इसको बढ़ाने का काम अब आप लोगों के हाथ में है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। टेलीग्राम ऐप के बारे में आप सभी जानते हैं, आप सभी के फोन में टेलीग्राम ऐप होती है। इस टेलीग्राम ऐप में बेटा आपको हमारा ये लिंक सर्च करना होगा। आप लिंक सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, जितने भी एडुकेटर हैं मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको सभी की उनकी लाइव टाइम पता लग जाएगी कि वो क्लास किस टाइम लाइव लेकर आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पर लेकर आ रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी हर एक एडुकेटर्स की। और तीसरी बात बेटा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आप जब इसको सर्च कर रहे होगे तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओगे और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगी एग्जाम के रिगार्डिंग वो सबसे पहले आपको आपके टेलीग्राम ऐप पर मिलेगी। तो इसे सर्च करना और हमारे ग्रुप में ऐड होना ना भूलें। फिर बात आती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सभी को पता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है बेटा। इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड जैसे ही करोगे तो ये आपके फोन में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होती चली जाएगी। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी और इसको ओपन करोगे तो आपको क्या करना होगा बेटा, अपना गोल सिलेक्ट करना होगा। और आपका गोल क्या है, एसएससी एग्जाम है बेटा। आपका गोल क्या है, एसएससी एग्जाम है। जैसे ही एसएससी एग्जाम पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे अनअकैडमी प्लस के। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे बेटा, बेनिफिट मिलेंगे अनअकैडमी प्लस के। ये बेनिफिट है क्या हमारे अनअकैडमी प्लस के बेटा, यहाँ आप अपने किसी भी फेवरेट टीचर की क्लास कंटिन्यू कर सकते हो।
आपके डेडिकेटेड डाउट सेशन रहेंगे, यहाँ पर एक रियल टाइम इंटरेक्शन रहेगा आपके एडुकेटर के साथ, आपकी डाउट क्लास लाइव रहेगी, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन मोड में उसको बार बार रिवीजन के टाइम देख भी सकते हो बेटा। ये हमारे अनअकैडमी प्लस के क्या हैं बेनिफिट्स हैं। ये अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट कैसे उठा सकते हो आप, सारे के सारे बेनिफिट्स कैसे पा सकते हो, आप एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू पा सकते हो बेटा। सब्सक्रिप्शन क्या है मैं बता दूं, ये तो वो लोग हैं जो इंडिया के टॉप मोस्ट हैं, हमारे साथ एडुकेटर जुड़े हुए हैं, और मैं आपको बता दूं ये सब्सक्रिप्शन, इसके लिए एक साल की जो फी होती है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज होती है, सॉरी 6000 होती है, 6000 रुपये होती है। बट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर रेड कलर शो हो रहा है ABS लाइव लिखा हुआ, ये मेरा कोड है। यदि ये मेरा कोड अप्लाई करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप मेरा ये कोड अप्लाई करते हो तो बेटा आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर डिस्काउंट जो फी होगी वो कितनी हो जाएगी, 5400 रुपीज 5700 रुपये हो जाएगी। कब, जब मेरा रेफरल कोड आप अप्लाई करते हो। कोड क्या है, ABS लाइव। ABS लाइव का मतलब क्या है, अभिषेक सरोहा लाइव। यदि आप ये डालते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट जो आपकी फी होगी 5400 हो जाएगी बेटा। इसके बाद अब थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखो यार, आप लोग आप किसी ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो, वहां कम से कम 15,000 से 18,000 रुपए देते हो सिर्फ 3 महीने या 4 महीने के लिए, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वो फीस है जो 1/3 है ऑफलाइन क्लास के, 5400। आप घर बैठे किसी भी टाइम क्लासेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो यार आप लोग, और डाउट सेशन आपके लाइव क्लास में लिए जाते हैं और एक रियल टाइम इंटरेक्शन बना रहता है। तो बेटा बेनिफिट तो आपका इसी के अंदर है, तो इसको ना चुके कोई भी स्टूडेंट, इसको ले। यदि आप 2 साल के लिए लेना चाहते हो तो 2 साल के लिए आप लोगे तो इसकी जो फी होगी बेटा 9600, और इसमें भी सेम प्रोसीजर है, मेरा कोड अप्लाई करो। मेरा कोड क्या है, ABS लाइव, और ABS लाइव है क्या, अभिषेक सरोहा लाइव। जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करोगे तो आपको फिर 10% का डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट जो फी होगी वो कितनी होगी बेटा, 8640 रुपीज, ये 2 साल के लिए। आया समझ में? तो आप ये सब्सक्रिप्शन करके हमारे सारे बेनिफिट उठा सकते हो अनअकैडमी प्लस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब चलते हैं हम लोग आज के सेशन की तरफ। आज का जो हमारा सेशन है SSC CGL क्रैश कोर्स का सेशन है 2019 का, जिसमें आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, और मॉक टेस्ट के अंदर मैं बायोलॉजी का पोर्शन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ फॉलोइंग चैम्बर्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्योर ब्लड। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, और मैं टाइम स्टार्ट करता हूं, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से आंसर बताओ मुझे आप लोग, 1 मिनट का समय आप लोगों के लिए। पहले काफी स्लो स्लो करेंगे और फिर इस टाइम को धीरे धीरे हम लोग कम करते आ जाएंगे बेटा। इन विच ऑफ फॉलोइंग चैम्बर्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्योर ब्लड। फर्स्ट वन इज राइट ओरिकल ऑप्शन है आपका, सेकेंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जल्दी से बताओ, पूछा कौन सा गया है इसमें बेटा, प्योर अमाउंट ऑफ ब्लड। तो आपका जो आंसर रहने वाला है इसमें, आप लोग आप खुद देखना, मैं इसको समझा रहा हूं आप लोगों को, और जो आपने आंसर दिए वो बेहतरीन आंसर दिए बेटा, बहुत अच्छे। यहां देखेंगे सभी बच्चे, मैंने शायद जो हार्ट का एक नॉर्मल फिगर डायग्राम बनाया था आप लोगों के लिए वो कुछ ऐसा बनाया था,
कुछ ऐसा मैंने आप लोगों का डायग्राम बनाया था बेटा, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया था, ये वॉल लगा दी थी आपकी, तीन वॉल इस तरफ होती थी और दो वॉल इस तरफ होती थी, ठीक है। तो मैंने बताया था हार्ट का जो अपर पार्ट होगा, हार्ट का जो अपर पार्ट होता है, सॉरी हार्ट नहीं हार्ट बेटा, हार्ट का जो अपर पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिकल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ओरिकल बोलते हैं बेटा। और ओरिकल और सॉरी हार्ट का जो लोअर पार्ट होता है, एक बार लिख लेता हूँ फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ, हार्ट का जो लोअर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रिकल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो एक बात यहाँ हमेशा ध्यान रखना यार आप लोग, ओरिकल जो होता है वो ऑलवेज रिसीव्ड करता है, ओरिकल क्या करता है, रिसीव करता है इम्प्योर और प्योर ब्लड को, ओरिकल जो क्या करता है, रिसीव करता है आपके इम्प्योर ब्लड को और प्योर ब्लड को। तो ओरिकल कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, दोनों का ओरिकल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ओरिकल बेटा। इस तरफ राइट वाला पार्ट होगा और इस तरफ लेफ्ट वाला पार्ट होगा, और इससे नीचे का क्या कहलाएगा बेटा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, वेंट्रिकल कहलाएगा बेटा, वेंट्रिकल। और जो ये वेंट्रिकल होता है ये बेटा स्टोर करके रखता है ब्लड को, वेंट्रिकल क्या करता है, स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है बेटा, ब्लड को, आया समझ में, वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को स्टोर करता है, कौन से ब्लड को, प्योर और इम्प्योर ब्लड को, प्योर और इम्प्योर ब्लड को क्या करता है ये बेटा, स्टोर करता है, आया समझ में, यहां तक किसी को दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा ये राइट हो जाएगा वेंट्रिकल और इस तरफ का लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट वाले पोर्शन में सभी को पता है बेटा कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड। राइट वाले में कौन सा होता है हमेशा बेटा, इम्प्योर ब्लड, और लेफ्ट वाले में हमेशा कौन सा होता है बेटा, प्योर ब्लड, कौन सा होता है, प्योर ब्लड। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, इन विच ऑफ फॉलोइंग चैम्बर्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्योर ब्लड, प्योर ब्लड मैक्सिमम। तो भाई प्योर ब्लड तो लेफ्ट वाले पोर्शन में आएगा ना, लेफ्ट ओरिकल को देखे तो ये सिर्फ क्या करता है, रिसीव करेगा, ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, बट स्टोर कहाँ होगा, नीचे होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ही होगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, स्टोर होगा। जो चीजें स्टोर होती हैं तो वो मैक्सिमम होंगी। तो आपका आंसर अब क्या हो गया बेटा, ये वाला चैम्बर, कौन सा हो गया, ये वाला चैम्बर, और ये कौन सा है, लेफ्ट वाला, और लेफ्ट वाला कौन सा है बेटा, ये वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला कौन सा है, वेंट्रिकल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। यहां तक शायद आप लोगों को कोई समस्या परेशानी नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है ना कोई भी समस्या परेशानी, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी का। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन बताएंगे जल्दी सी, गिव द नेम ऑफ लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन, वेन का मतलब क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूं हिंदी में, सिरा, सबसे बड़ी सिरा का नाम बताओ, सबसे बड़ी सिरा का नाम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, सबसे बड़ी सिरा का नाम बताओ जल्दी से, जल्दी से, सबसे बड़ी सिरा का नाम बताओ आप लोग जल्दी से, हरे अब सबसे बड़ी सिरा का नाम बताएं, हरे अब गाइस, बी क्विक फास्ट, कम ऑन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, चलो ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी बहुत अच्छे बेटा। अब यहां देखना, मैंने जो सिंपली जो आप हार्ट के साथ खेलते आए हो बचपन से, आप ऐसा हार्ट बनाते हो ना, तो मैंने इसके अंदर समझाया था बेटा हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करता है,
हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। हार्ट जब पंपिंग का काम करता है तो बेटा सिंपल सी बात है, इस हार्ट के अंदर क्या करता होगा, ब्लड आता भी होगा और यहां से ब्लड फिर निकलकर जाता भी होगा। तो बेटा जहां से ब्लड आता जाता है जिस रास्ते से, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। उसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स दो प्रकार की आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक आने वाली एक जाने वाली। पहली होती है आर्टरी। कौन सी होती है बेटा, आर्टरी, जिसको हिंदी में धमनी बोलते हो आप लोग। दूसरी होती है बेटा वेन, जिसको आप किसका नाम देते हो, सिरा का नाम देते हो बेटा। अब यही देखेंगे कौन सी लाती है कौन सी लेकर जाती है ब्लड को। तो बेटा जिसके पीछे इन लगा हुआ है, जिसके पीछे इन लगा हुआ है, यहां ध्यान से देखें, जिसके पीछे इन लगा हुआ है, इन, इनका मतलब क्या होगा, अंदर की तरफ। इनका मतलब अंदर की तरफ, इनका मतलब अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ यहां से आ रहा है तो ये क्या होगी, आपकी वेन होगी। ए का मतलब जिसके आगे ए लगा हुआ है, ए का मतलब क्या होगा, अवे। ए का मतलब अवे, ए का मतलब यहां से क्या होगा बेटा, अवे होगा। क्या होगा, अवे। अवे मतलब दूर लेकर जाना। तो वो कौन सी होगी आपकी, ये होगी आर्टरी। कौन सी होगी, ये वाली होगी। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी है आप लोगों को, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ यार आप लोग, है या नहीं है, नहीं होगी ना, तो ठीक है बेटा। तो यार सबसे बड़ी कहां मिलेंगी, हार्ट के पास ही मिलेंगी। तो याद रखना जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, जो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, कौन सी लार्जेस्ट, जो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, इसका नाम क्या होता है बेटा, एओर्टा होता है। क्या होता है, एओर्टा होता है। जो आपकी लार्जेस्ट वेन होती है बेटा, लार्जेस्ट वेन, उसका नाम क्या होता है, वेना कावा होता है। उसका नाम क्या होता है बेटा, वेना कावा। तो एग्जाम में क्या पूछा है आपसे, लार्जेस्ट वेन के बारे में पूछा है ना, किसके बारे में, इसके बारे में पूछा है लार्जेस्ट वेन। तो क्या है आंसर आपका, वेना कावा। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन होगा बेटा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन। यहां तक किसी को दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जल्दी से बताओ बेटा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्त दाब का मान कितना होता है। बेटा सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ब्लड प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से। किससे मेजर करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं बेटा। किससे करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं। आया समझ में, स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। जो ये आपका ब्लड प्रेशर होता है बेसिकली बेटा, ये कितने प्रकार का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। दूसरा कौन सा होता है, हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा कौन सा होता है बेटा, लो ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है बेटा, 120/80। हाई कितना होता है बेटा, 140/100। और लो ब्लड प्रेशर कितना होता है बेटा, 80/60। जो ऊपर वाला होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, और नीचे को लोअर। इनका एक एक नाम और होता है बेटा, सिस्टोलिक लिमिट और डायसिस्टोलिक लिमिट, डायसिस्टोलिक लिमिट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आया समझ में इतना, शायद यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं है ना कोई भी दिक्कत। तो बेटा ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछा क्या गया है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। क्या पूछा गया आपसे,
नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की गई है। किसकी बात की गई है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। नॉर्मल ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं। और बेटा इसकी वैल्यू क्या है? 120/80। दैट इज आपका कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। यहां तक समस्या रही इस क्वेश्चन में। अब आपसे हाई ब्लड प्रेशर से पूछे तो आप बता सकते हो हाई ब्लड प्रेशर भी। लो ब्लड प्रेशर पूछता है तो लो ब्लड प्रेशर भी बता सकते हो बेटा, बता सकते हो ना। नॉर्मल का तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो बेटा आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उनका डिस्क्रिप्शन आपके साथ कंटिन्यूस करता रहूंगा। और बेटा वीडियो को आप कंटिन्यूस देखते रहना और इसको लाइक करते रहना, ठीक है बेटा। अब मैं अगले सेशन में आऊंगा तो इससे आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।